सकते हैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं, जो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे वहाँ भारत सरकार में, जिन्होंने इतना दिनों से मुख्यमंत्री रहे, सारे गुण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी सीएम हाउस पहुंचे थे। इस दौरान महेश्वर हजारी ने कहा है कि हर जिला से पासवान समाज की काफी संख्या में लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देकर सम्मानित करने आए हैं, क्योंकि इस बार भोला पासवान शास्त्री का राजकीय समारोह का मनाया गया है। जब महेश्वर हजारी से पूछा गया कि माना जाता है कि चिराग पासवान के साथ पासवान समाज है, तो उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण हमने पेश कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मोकामा, समस्तीपुर, गया, वाल्मीकि नगर, इतने दूर दूर से लोग आए हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सम्मान देने का काम किया है, पंचायती राज में आरक्षण देकर, जिसके कारण आज दलित समाज मुखर होकर कि मुखिया पार्षद ऐसे ऐसे पद पर विराजमान है, तो नीतीश कुमार का देन है। इसीलिए पासवान समाज के लोग भी नीतीश कुमार के साथ है। वहीं आगे महेश्वर हजारी ने कहा कि नीतीश कुमार सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, जो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सारे गुण हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में है, पीएम बनने के लिए। इसीलिए भारत की जनता समाजवादी विचारधारा की, जो सब चाहते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दौर में जाए। महेश्वर हजारी ने यह भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन में अभी तत्काल नेता नीतीश कुमार पर सब सहमत है, आज ना कल जरूर घोषणा होगी, और होगा तो नीतीश कुमार के नाम का ही घोषणा होगा। क्या कुछ कह रहे हैं महेश्वर हजारी, वो जरा सुने आप लोग। सर कुछ बोलिए क्या? समय में मिलने के लिए जा रहे हैं सर, क्या मुख्यमंत्री जी के मिलने के लिए हम लोग जितने हमारे जो बिहार के पासवान समाज से हर जिला से लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, सब लोग जा रहे हैं और हमारे भोला पासवान जी थे, इसी राजकीय समारोह मनाया गया इस बार, और इसी के नीचे सम्मानित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो हमारे साथ पूरे 19 लोगों की टीम है, हर जिला के सभी लोग जो सभी लोग सब हैं, सबके सब जो जनप्रतिनिधि हैं सबके साथ आए हैं, अब जा रहे हैं वो सम्मानित करेंगे। माना जाता है कि पासवान समाज चिराग पासवान के साथ, आपको क्या लगता है वाकई ऐसा है? उसका उदाहरण हम लोगों ने उस दिन पेश कर दिया है, मोकामा जैसे जगह पर से लोग, समस्तीपुर जैसे, गया से, वाल्मीकि नगर से, उतने उतने दूर से लोग सारे के सारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए पार्टी कार्यालय में। पार्टी कार्यालय भर गया, आगे भर गया, रोड जाम हो गया। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान देने का काम किया पंचायती राज में आरक्षण देकर के, जिसके कारण आज दलित समाज मुखर होकर के एक मुखिया, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, नगर परिषद के अध्यक्ष, ऐसे ऐसे पदों पर विराजमान है, तो नीतीश कुमार जी की देन है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया था, उसको एकमात्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिन्होंने जमीन को उतारने का काम किया, दलितों को हक दिलाने का काम किया। इसलिए पासवान समाज के लोग भी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और इसीलिए हम लोग आज सम्मानित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आज़ादी के बाद आज तक कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्मान समारोह नहीं करने का काम किया भोला बाबू को, जो इतने बड़े महान लोग थे, जो आदमी जमीन पर बैठ करके कम्बल बिछा के सोने का काम करते, मंत्री बनने के बाद भी, मरने के बाद मात्र 600 रुपया उनके खाता में था, ऐसे महान व्यक्ति को सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम। सर एक चर्चा हो सकते हैं, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं, जो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे वहाँ भारत सरकार में, जिन्होंने इतना दिनों से मुख्यमंत्री रहे, सारे गुण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसलिए भारत की जनता नहीं, भारत के जनता समाजवादी विचारधारा जितने लोग हैं, सबको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद के दौर पर। लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या सहमति बन पाएगी नीतीश कुमार के नाम पर? इंडिया गठबंधन में तो अभी तत्काल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर सब कुछ सहमत है, आज न कल जरूर घोषणा होगी, अब नहीं होगा तो नीतीश कुमार जी के नाम पर। ठीक, तो आपने सुना महेश्वर हजारी ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।